है, परंपरा चली आ रही है, बड़े गुरुओं की जो परंपरा है, जो श्री कृष्ण जी ने बताया है कि अहिंसा पर अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा शांति रपेशम दया बोले सोले लोक तो मेरे छपलम, वो बात अब भी इस गांव में है। भगवत गीता का 16वें अध्याय का 2रा श्लोक है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वही मैं कह भी रही थी, ये सांदर गांव है, ये सांदर गांव की जो परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है वो अभी तक नहीं टूटी है। जो सरकार जो इस गांव में फूट डालो राजनीति का जो देश में माहौल बना रही है, मेरा हारिस जो है वो भगवत गीता के श्लोक को इतनी तेजी से पढ़कर सुना गए जो मुझे खुद तक नहीं याद है। और याद है कुछ? हाँ, जो धर्म है वो कोई अलग नहीं बताता है, जब आप इस्लाम धर्म को प्रभाषित करोगे तो वो बताता है कि वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिल वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, वल अव्वल हिज द फर्स्ट वल आखिर हिज द लास्ट नथिंग मीन देम, यानी कि उसके बाद में कुछ नहीं होगा, सबसे पहला जो ईश्वर है वो वही है। इसी चीज़ को जब हिंदू धर्म में देखते हैं तो वो बोलता है भगवान विष्णु के शिव से शिव नाम में 1000 नाम है, अनाद्यंता व्यक्ता अव्यक्ता भविष्यता सर्वज्ञ, अनाद्यंता जिसका आदि नहीं जिसका अंत नहीं, यानी सबसे पहला वही है, उसके बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। भविष्यता सर्वज्ञ, भविष्य में सब कुछ जानने वाला। और इसी चीज़ को जब आप होली बाइबल में देखोगे तो वो बोलती है एन दी अल्फा एन दी ओमेगा, यानी कि धर्म कोई अलग नहीं है, खाली छिलके के ऊपर लड़ाई हो रही है, गूदा जो देखते हैं वो एक ही है, खाली छिलके के ऊपर लड़ाई हो रही है। धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं राजनीति में वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं। इन्होंने कुरान बता दी, रामायण बता दी, बाइबल भी बता दी, वाह बेहतरीन। और श्लोक भी याद है, सारे धर्मों में एक ही बात करी गई है। जब आप कुरान का पहला जो कलमा है वो बोलता है कुल अल्लाह अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, यानी कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक ही है और वही सबका पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज़ को जब आप वेदों में देख रहे हुए तो ऋग्वेद के मंडल एक का सूत सात का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवला, ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है, ये चीज़ लिख रही है वेदों में भी। जो आज धर्म के ठेकेदार हैं वो जाति के नाम पर देश को संप्रदाय के दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और देश को बांटना